दो बार गहरी सांस अच्छे से। एंकल रोटेशन पांच पांच बार, क्लॉक एंटी क्लॉक, दूसरी तरफ आगे पीछे, पंजा एक आगे एक पीछे। इसे पहले भी कर सकते हैं बाद में भी, एज यू फील कंफर्टेबल। पहले आगे पीछे करके फिर रोटेशन कर ले, और इसमें थोड़ा काफ स्ट्रेच होता है, इसलिए पहले रोटेशन करके फिर मैं ये कराता हूँ। कई बार काफ रेडी नहीं होता, नस चढ़ जाती है पंजे की, तो कहेंगे मम्मी नस चढ़ गई क्या करूँ, क्या करोगे, बैठ जाओगे। अगर मान लो किसी का पंजा खींचते हुए ऐसे बाहर की तरफ खींच रहे हो पंजा आप, जैसे ये नीचे और ना चढ़ जाए यहाँ पे या यहाँ पे, तो उसका सिंपल सोल्यूशन है पंजे को पकड़ के अंदर, या खुद कर दो या किसी को बोलो पकड़ के अंदर, साथ के साथ ठीक हो जाएगा। शुरू हो जाओ फिर साथ के साथ। पता नहीं कितने की बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में घुटने ऊपर नीचे, पीठ थोड़ी सीधी, राइट स्ट्रेट योर बैक, सांस नॉर्मल, रिलैक्स, पैर थोड़े आगे, इनहेल एक्सहेल डाउन, इनहेल एक्सहेल डाउन, अप एंड डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, एंड स्टे। ब्रेथ नॉर्मल, 5 4 3 2 1, इनहेल अप, एक्सहेल रिलैक्स, पैर सीधे, ध्यान नाभि पर, सांस गहरी 3 से 4 बार।
नीज फोल्ड और बैक को हल्का हल्का ट्विस्ट। और आज तो दिन भी ट्विस्टिंग का है, तो हल्की ट्विस्टिंग से कैसे काम चलेगा भैया? आज तो थोड़ी सी खतरनाक सी ट्विस्टिंग करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, इतनी खतरनाक नहीं, जो रेगुलर करते हैं वही करेंगे। बट आज मैं त्रिकोण आसन सोच रहा हूं, जो मंडे को हमने किया था, मैंने कहा था हम इसको ऐड करेंगे, तो विल ट्राई। या उस तरह की जो लास्ट टाइम की थी, वो दोनों में से एक। नॉर्मल ट्विस्टिंग जो मैंने कहा था, बताया था पिछली बार भी, कि जब हम आगे की तरफ ट्विस्ट कर बैक को बेंड करके, फॉरवर्ड बेंड करके ट्विस्ट करते हैं तो थोड़ा मुश्किल, काफ और हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच, लेकिन जब पीछे करते हैं तो बड़ा आराम से हो जाती है। तो तीन चीजें आज स्टार्टिंग में बताई थी, बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग भुजंगासन टाइप, फॉरवर्ड बेंडिंग ये जो करते हैं, और ट्विस्ट। ये तीनों हमारे इस पूरी बैक को, अब्डोमन रीजन को बहुत बैलेंस रखती है, और अंदर से बॉडी के सिस्टम को स्ट्रेंथन और उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती। तो अभी हम सिंपल ट्विस्टिंग से शुरू करते हैं। शुरू कर लो राइट साइड से पीछे की तरफ, लेफ्ट लाइटर लाइटर से शुरू करो, इससे जितनी हो कोशिश सब किया करो। जब पीछे जाएंगे तो सांस बाहर छोड़ना, ये ध्यान रखना। इसे 15 से 20 बार आराम से कर लो। अब जैसे ट्विस्टिंग की तो हल्का इसका काउंटर फॉरवर्ड। तो काउंटर में दो तरीके हैं, एक तो आप पैर जो खुले थे थोड़ा सा बेंड कर लो, बस नीज बेंड हल्की से, ताकि काफ और हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन ना आए, और इसमें थोड़ा मुश्किल लगे तो थोड़ी सी एड़ियां और अंदर, यानी पूरी एड़ियां नहीं मिलानी बटरफ्लाई में, मिलाते हैं जैसे थोड़े से खुले रखो, एंड देन डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, down, then stay, breath normal, 5, 4, 3, 2, 1, inhale up, exhale, relax, थोड़ा सा विश्राम, गहरी श्वास। तो ट्विस्टिंग और सिंपल ट्विस्टिंग, बैक ट्विस्ट थी ना, फॉरवर्ड थी ना बैक थी इसमें। अभी हल्की ट्विस्टिंग हम फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ ऐड करते हैं, फिर थोड़ी सी बैक बेंडिंग, तीनों कंडीशन आज हल्की हल्की करेंगे।
पैर खुले रहेंगे, ऐसे ही राइट साइड ट्विस्ट करना है, फिर लेफ्ट साइड, और फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड में जाना है, यानी बैक को स्क्वीज करना लेफ्ट राइट एंड देन फॉरवर्ड, और तीनों में सांस बाहर छोड़ना है, जैसे पीछे गए एक्सहेल, फिर एक्सहेल, फिर एक्सहेल, जब बीच में वापस आते हैं तो एक्सहेल, यहां इनहेल ऑटोमेटिकली होगा, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल हुआ, एक्सहेल फॉरवर्ड। प्रिकॉशन ये रखना है कि बैक में पेन हो या बॉडी स्टिफ हो, लेग में स्ट्रेन आ रहा हो, थोड़े से फॉरवर्ड बेंडिंग में घुटने बेंड कर लिया करो और फिर नीचे जाओ, इनहेल शुरू कर लो, कम से कम 10 राउंड तो करेंगे, यानी 3 का 1 राउंड बनेगा, 10 टोटल, 10 फॉरवर्ड बेंडिंग। श्वास मिस नहीं करना, थोड़ा श्वास नॉर्मल, लेफ्ट साइड, फॉरवर्ड, इनहेल अप एंड रिलैक्स, पैर खुले पैर ढीले, थोड़ा शेक कर लें, हो सकता है फॉरवर्ड बेंडिंग में हल्का स्ट्रेन आ सकता है पीछे, थोड़ा सा शेक, बाकी जब भी करें बॉडी को ढीला छोड़ा करें, खींचना नहीं है, गहरी श्वास 2 से 3 बार, जैसे हम ट्विस्टिंग का काउंटर करते हैं फॉरवर्ड बेंड, ऐसे ही हम बैक बेंड, फॉरवर्ड बेंडिंग का बैक बेंडिंग काउंटर करते हैं। तो नेक्स्ट जो ट्विस्टिंग करेंगे हम, वो करेंगे बैक बेंडिंग में वज्रासन। ये लास्ट वीक हमने की थी थर्सडे को आई थिंक, और बहुत बेनिफिशियल है ये। तो जैसे हमने फॉरवर्ड बेंडिंग का थोड़ा अभ्यास किया था पहले, ऐसे ही अब थोड़ा हम बैक बेंडिंग का अभ्यास करेंगे। किडनी स्टैंड, पैर थोड़े खुले, पंजे अंदर कर सकते हैं या पंजे बाहर भी कर सकते हैं। तो ये उष्ट्रासन का बेस है, बैक को हल्का सा बेंड करना है और फिर ऐसे ही एड़ियों पे बैठ के फिर माथा नीचे लगाना है। फिर आप यहां से उठेंगे तो सीधा नी स्टैंड में, और फिर बैक फॉरवर्ड, नी बेंड, एड़ियों पे बैठ के बैक फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, बैक बेंड, फॉरवर्ड, बैक फॉरवर्ड, बैक बेंड, फॉरवर्ड।
लास्ट टू बैक फॉरवर्ड बैक एंड लेग। शशांक आसन में थोड़ा विश्राम। वज्रासन, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो डायरेक्ट नी स्टैंड में उठ सकते हैं। बस लास्ट के 2 मिनट रहेंगे, 2-3 मिनट बाद फिर हम थोड़ा विश्राम करेंगे, बट सेशन तो कंप्लीट करेंगे भाई। अरे भाई, तो इसमें बैक को पहले आगे की तरफ ट्विस्ट कर रहे थे, हम ट्विस्ट किया फिर आगे फॉरवर्ड, अब बैक बेंड हल्का सा और लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील, राइट हैंड जो है वो राइट साइड गर्दन पे कान के पास रख सकते हैं आप। ओके, फिर दूसरी तरफ ये ध्यान रखना है कि बैक को थोड़ा बेंड करना है, पहले बैक बेंड करनी है मतलब पेल्विक को आगे पुश करना है और फिर हाथ टच करो। दस दस कम से कम, जब पीछे जाए सांस बाहर, एंड रिलैक्स। अब पूरा बैक बेंड कर सकते हैं, राइट हैंड राइट, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील पे, राइट हैंड राइट हील पे, एंड ट्राई टू डू इट उस्त्रासन। वापस वज्र और फिर शशांक। अरे पीठ का बैंड बज गया भैया। शशांक में गर्दन हाथ कंधे ढीले, लास्ट राउंड, एक राउंड और, बस एक राउंड और ट्राई करना, हो जाएगा अच्छे से, नहीं हो तो सेम साइड करना। अब जैसे दूसरे में हमने सेम साइड टच किया था, अब ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हील को टच करेगा, हाथ अभी ऊपर रखना, बैक हल्का से पुश करनी आगे, बिल्कुल ऐसे नहीं जाना, थाइज आगे पुश, थाइज 90 डिग्री पे रहेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे पुश करना, ठीक। Opposite heel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और फिर बैक बेंड अच्छे से। राइट हैंड राइट हील पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील पे और उस पर,
वापस, जिससे जितना हो। हाथ ना रखे जाए तो हाथ कमर पे रख के फिर बेंड कर लिया करो, और फिर यहीं बैठ के एड़ियों पे फॉरवर्ड, ये ट्विस्टिंग से तो जान निकलती है भैया बम्पर बाबा की और पीठ की। अब इसका काउंटर कैसे करेंगे, है ना, काउंटर तो करना पड़ेगा। हल्का काउंटर, हल्की फॉरवर्ड, बटरफ्लाई वाले पोस्टर में थोड़े से पैर आगे कर लो एंड डाउन। आ पीठ को आराम मिल रहा है। फॉरवर्ड, धीरे धीरे पैर सीधे कर दो और फिर फॉरवर्ड। शरीर को लगे नहीं कि कुछ किया था, ऐसे लगे आराम करके आए। दो बार और लास्ट, चलो एक और कर लो। 3, 2, 1 And now relax in Shavasan or Bal Shavasan for 2 minutes, then Shanti Path करते हैं। पैर खुले, शरीर ढीला शवासन में, बाया हाथ नाभि पर, आती जाती सांस, शरीर के जो जो जोड़ हमने हिलाए उनको आराम में आने दो भाई। शरीर का जो भी हिस्सा, जो भी ज्वाइंट, जो मसल, इंटरनल ऑर्गन्स, कहीं भी कोई स्ट्रेन पेन लगे उसको मेंटली रिलैक्स करें। पहले फिजिकली रिलैक्स करें, गर्दन, कंधे, हाथ, पैर, सब, पूरी बॉडी ढीली, और फिर मेंटली होल बॉडी रिलैक्स। शरीर को ये इंस्ट्रक्शन दें कि शरीर ढीला है, तनाव मुक्त है, कोई पेन नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कुछ दर्द नहीं, बिल्कुल आराम की स्थिति में है शरीर। शरीर के भीतर श्वास चल रही है, श्वास आ रही है, जा रही है, हमारा जरा सा भी प्रयास नहीं है श्वास के प्रति, अपने आप घटित हो रहा है सब।
श्वास को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, धीरे 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 गहरा करते जाएं, डीपन ब्रेथ, स्लो ब्रेथ। श्वास का भार छोड़ना बहुत गहरा हो, पेट पूरा अंदर चला जाए। श्वास पर ध्यान रखते हुए श्वास गहरी दो बार और, जो लेटे रहना चाहते हैं कुछ क्षण और लेटे रह सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं, बाकी करवट लेके बैठे हैं। किसी भी ध्यान के आसन में विश्राम बहुत जरूरी है। शवासन, बाल शवासन जरूर किया करें, आसन करते मत भागें। हाथ गोद में, पीठ सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला। श्वास की गहराई, श्वास को गहरा रखते हुए गहरी गूंज, कंपन के साथ हमिंग। हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार नमन मुद्रा। सर्व मंगल की, सबके स्वास्थ्य की प्रार्थना, सब सुखी हों, स्वस्थ हों, ये भाव, ये प्रेयर हमारे भीतर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरि ओम। मालिक का, ईश्वर का इस संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए शुक्राना, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। अपना समय लेते हुए हथेलियां रगड़ लें। आंखों की, चेहरे की मालिश कर लें। थैंक यू एंड गुड डे। अपना जीवन आराम से, आनंद से जियो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और ये स्वास्थ्य बाकियों के साथ भी बांटते रहो ताकि बाकी लोग भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। बहुत सारी दुआएं देते रहें और दुआओं से ही जीवन चलेगा। प्रणाम, नमस्ते। कौन कौन थे हमारे साथ आज? अज सी गे पाई, सीता जी आए थे, प्रीति मैडम, संतोष जी, सविता जी, चार बंदे बस, कोई बात नहीं, चार है बराबर हजार है। ओके, गुड डे।